हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट क्या होती है और कौन होते हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो डिसक्वालिफाइड होते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट या एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। ओके, कैपेसिटी रिफर्स टू द कॉम्पिटेंस ऑफ द पार्टीज टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। कैपेसिटी रिफर्स करती है जो लोग कॉन्ट्रैक्ट में या जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व हैं उनकी कॉम्पिटेंस को रिफर करती है, उनकी कॉम्पिटेंस को रिप्रेजेंट करती है। अब हमें पता है कि कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए एग्रीमेंट का होना ज़रूरी है और एग्रीमेंट के लिए ऑफ़र और एक्सेप्टेंस का होना ज़रूरी है। और ऑफ़र और एक्सेप्टेंस तो तभी होगा कि जब पार्टीज़ इन्वॉल्व होंगी, कोई ऑफ़र कर रहा होगा और कोई पार्टीज़ उससे एक्सेप्ट कर रही हो। तो अल्टीमेटली एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए पार्टीज़ का होना मैंडेटरी है। पर जब ये पार्टीज़ हैं तो वो पार्टीज़ ऐसी होनी चाहिए जो क्या हो, कम्पिटेंट हो, कैपेबल हो कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकें। तो ये जो उनकी कैपेबिलिटी है, उनकी क्षमता है, योग्यता है, उनकी कंपिटेंसी है, उसी को हम कैपेसिटी कह रहे हैं। ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। हमने इससे पहले ही प्रायर वीडियोस में देखा हुआ है कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स एसेंशियल होते हैं। तो जो एलिमेंट्स एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाते हैं उनमें से एक है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, आप डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस लिंक को आप देख सकते हैं। तो ओके, हु इज़ कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए कौन कॉम्पिटेंट होता है। तो एक्चुअली देखा जाए तो तीन पार्टीज में तीन कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई है कि अगर वो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स इन्वॉल्व हैं तो इट मीन्स कि पार्टीज़ कॉम्पिटेंट हैं, पार्टीज़ कैपेबल हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट करें। और जब ऐसी पार्टीज़ कॉन्ट्रैक्ट करती हैं जो कैपेबल हैं तो हम उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं। तो वो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एवरी पर्सन हु हैज़ अटेन्ड द एज ऑफ मेजॉरिटी, दैट इज 18 ईयर्स ऑफ एज। तो जो पार्टीज़ हैं वो कैसे हों, हर कोई पर्सन कॉम्पिटेंट होगा, कैपेबल होगा कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए अगर वो मेजर हो, मेजर इन द सेंस वो माइनर ना हो और वो 18 इयर्स की एज को अटेन कर रहा हो, मतलब 18 इयर्स से अबव हो या 18 इयर्स से अबव हो। तो अगर ऐसा पर्सन है और वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हम उसे क्या मानेंगे कि वो कॉम्पिटेंट है। तो उसके द्वारा किया गया कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाएगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंड इज़ वॉट इज़ ऑफ साउंड माइंड, कैसा होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए। साउंड माइंड मीन्स क्या होती है, एक हो गया ना कंडीशन ऑफ माइंड, अवस्था, राइट, कि कैसा है माइंड आपका। तो एक साउंड माइंड मतलब वेल माइंड, प्रॉपर, अच्छे से अच्छा हो, कैपेबल हो, तो उस चीज़ को हम कंपिटेंसी में रखते हैं। एंड द थर्ड इज़ व्हाट इज़ नॉट अदरवाइज डिसक्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग इज़ कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 11। हमने इसमें प्रायर वीडियोज़ में अच्छे से सेक्शन 11 की चीज़ों को डिस्कस कर रखा है। तो मतलब क्या बोला गया कि वो जो पर्सन हो वो किसी भी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए डिस्क्वालीफाई ना किया गया हो। तो अल्टीमेटली क्या हो गया कि कोई भी पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है और वो जब वो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, अगर वो पर्सन क्या हो, मेजर हो, अगर वो पर्सन कैसा हो, साउंड माइंड हो, और अगर वो पर्सन कैसा हो, किसी भी तरीके से डिस्क्वालीफाइड ना किया गया हो। ठीक है, मेजर तो हमें समझ में आ गया कि 18 ईयर्स से अबव का एज हो, पर ये जो साउंड माइंड की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम कैसे मेजर करेंगे। तो मतलब हम कब कहेंगे कि हाँ ये पार्टी साउंड माइंड है, ऐसी कौन सी सिचुएशन होगी जब हम उसे साउंड माइंड का नहीं मानेंगे, मीन्स उसे अनसाउंड माइंड कहेंगे। तो अनसाउंडनेस ऑफ अ माइंड मे अराइज फ्रॉम, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड कब स्टार्ट होती है, हम कब कहेंगे कि वो अनसाउंड है, अस्वस्थ है, अनवेल है, उसका माइंड अनवेल है, वेल नहीं है, कब हम कहेंगे, जब इडियोसी हो। इडियोसी मतलब जैसे कहते हैं स्टूपिड, इडियट्स। तो ये क्या है, ये पर्सन के खुद के कंट्रोल में नहीं होता है, इट्स अ गॉड गिवन एंड परमानेंट। जो इडियट है, जो बात नहीं समझ सकता, जो स्टूपिड है वो हमेशा स्टूपिड ही होगा, इडियट ही रहेगा, वो ऐसे नहीं हो सकता, वो गॉड गिवन है। तो अगर कोई इडियट है या स्टूपिड है और हम उससे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम उस केस में क्या कहेंगे कि वो साउंड माइंड का है या नहीं है, नहीं है। और अगर वो साउंड माइंड का नहीं है तो उसके द्वारा किया गया कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फ्रेम नहीं करेगा।
सेकेंड इज वॉट, लुनेसी और इंसैनिटी, द डिसीजेज ऑफ ब्रेन, जैसे कहते हैं इनसेन माइंड मीन्स पागल, साइको टाइप का हम कहते हैं, नहीं साइको है, तो इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं उसे हम क्या कहेंगे, अगर कोई पेशेंट, कोई पर्सन है जो इनसेन है, मतलब पागल है, मैड है, या आप साइको है और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फ्रेम नहीं होगा। तो हम क्या रीज़न देंगे, क्यों, क्योंकि पार्टीज़ कैपेबल नहीं है, कॉम्पिटेंट पार्टीज़ इन्वॉल्व नहीं है, कैपेसिटी जो कॉन्ट्रैक्ट की होनी चाहिए, जब कैपेसिटीज पार्टीज की होनी चाहिए वो सही नहीं है। नेक्स्ट इज वॉट, ड्रंकनेस, दैट इज टेम्पररी इनकैपेसिटी। ड्रंकनेस मीन्स आप समझ रहे हैं एडिक्शन हो गया, आप ड्रंक ज़्यादा कर रहे हो या ड्रग्स ले रहे हो, एडिक्शन। तो जितने टाइम पीरियड में आप एडिक्टेड रहोगे उस टाइम पीरियड में अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया या कुछ भी किया, तो आप ये प्रूव कर सकते हो कि वो उसका उस टाइम पीरियड में वो अनवेल सिचुएशन में था, मीन्स उसकी उसका माइंड साउंड सिचुएशन में नहीं था, तो उसके द्वारा किया गया कोई भी कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो जाता है, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है। नेक्स्ट हम कब कहेंगे कि वो अनसाउंड है, हिप्नोटिज्म। हिप्नोटिज्म ये भी जैसे आप नॉर्मली देखते हैं मूवीज़ वगैरह बहुत फ्रेम होती है कि हिप्नोटाइज करके हम आपसे कोई वर्क करा लें, तो हम हिप्नोटाइज करा के कॉन्ट्रैक्ट करा लिए, तो अगर हिप्नोटिज्म है वो सिचुएशन है और उस टाइम पीरियड में कोई पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो इन दैट केस वो कॉम्पिटेंट नहीं मानी जाएगी, कैपेबल नहीं मानी जाएगी और कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं रहेगा। नेक्स्ट इज वॉट, मेंटल डिके, मतलब टाइम बीइंग के साथ मेंटल की कैपेबिलिटी है जो है, माइंड की कैपेबिलिटी वो डिक्रीज होती जाती है, ऐसा ओल्ड एज में होता है, जो बहुत ओल्ड एज होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब बूढ़े होते हैं, तो इन दैट केस कहते हैं कि हाँ इनकी सोचने समझने की जो पावर है या शक्ति है वो बहुत अच्छी नहीं है। तो इस टाइम पीरियड में अगर हम कोई कॉन्ट्रैक्ट करा रहे हैं तो वो ये माना जाता है कि पार्टीज कंपिटेंट नहीं थी। तो इस तरीके से अगर इनमें से कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स है तो हम ये मानेंगे कि वो साउंड माइंड को अटेन नहीं कर रहा है वो पर्सन, और वो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कंपिटेंट नहीं है। और अगर ये सारी जैसे इडियोसी, लुनेसी, ड्रंकनेस, हिप्नोटिज्म, मेंटल डिके ऐसी सिचुएशंस नहीं है, तो हम मानेंगे कि पर्सन कैसा है, साउंड माइंड का है, और उसने जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया है वो कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट में है, मतलब वो कंपिटेंट पर्सन की कैपेबिलिटी में होते हुए कॉन्ट्रैक्ट किया है। ओके, तो अटेन ऑफ मेजोरिटी हो गया, साउंड माइंड हो गया। थर्ड इज वॉट, डिसक्वालिफाइड, तो अगर वो किसी भी तरीके से डिसक्वालिफाइड की कैटेगरी में आता है तो भी हम उससे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कंपिटेंट नहीं मानेंगे। अब हम ये कैसे मेजर करेंगे कि कौन डिसक्वालिफाइड होता है, तो डिसक्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग द फॉलोइंग पर्सन फॉल इन दिस कैटेगरी, फॉरेन सॉवरेन्स एंड एम्बेसडर्स, जो फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं या कहीं फॉरेन से एम्बेसडर्स, आप जानते हैं कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में एम्बेसडर्स वो होती है जहाँ पे दूसरी कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं, कि उस कंट्री में रहने वाले फॉरेन कंट्रीज के कोई भी पर्सन जो उसमें एज सिटीजन रह रहे हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम्स हो तो जो उनका फॉरेन एम्बेसडर होता है वो उस चीज़ को ट्रीट कर रहा होता है। तो इस तरह से कोई अगर फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव कोई अथॉरिटी है और उससे आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को हम उस पर्सन को ही कंपिटेंट नहीं मानेंगे, उसे डिस्क्वालिफाइड पर्सन की कैटेगरी में रखा जाता है। नेक्स्ट इज व्हाट, एलियन एनिमी मींस कि नेटिव कंट्रीज़ आपकी जो हैं और वो कैसी हैं, एनिमी कंट्रीज़ हैं, जिससे आपको पता है कि आप उनसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, आपका कोई वॉर चल रहा है कंट्रीज़ के साथ और आप उस कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव से या उस कंट्री के पर्सन से आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उस कंट्री के बिलोंग करने वाले पर्सन या उस सिटीजन से या उस कंट्री से पर्टिकुलरली आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हम मानेंगे कि जो पार्टीज़ कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व हैं वो डिसक्वालिफाइड है, वो कंपिटेंट नहीं है, कैपेसिटी फॉर कॉन्ट्रैक्ट वो नहीं है। नेक्स्ट इज वॉट, जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड कॉरपोरेशन इनकॉर्पोरेटेड अंडर अ स्पेशल एक्ट, LIC, UTI एक्सेट्रा, तो अगर कोई स्पेशल एक्ट के अंदर कोई कंपनीज, जॉइंट स्टॉक कंपनी स्टैब्लिश की गई है, कोई कॉरपोरेशन या कुछ भी इनकॉर्पोरेट हुआ है एक स्पेशल एक्ट के अंदर और फिर आप उससे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो वो एक स्पेशल पर्पज़ के लिए डिज़ाइन किया गया है, इनकॉर्पोरेट किया गया, उससे किया गया कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी वो कैपेबल नहीं होगा, उसे कैपेबल नहीं मानेंगे, डिस्क्वालीफाई कर देंगे। नेक्स्ट इज़ वॉट, पर्दा नशीन वुमेन, पर्दा नशीन वुमेंस मीन्स जैसे ऐसी वुमेंस जिनके फेस कवर होते हैं, लाइक मान लीजिए बुर्का पहना हुआ है कोई, जैसे कि मुस्लिम्स
आपकी वुमेंस हैं वो पर वो बुरका वगैरह वेयर करती हैं, दैट केस आप उनके फेस को नहीं देख रहे हैं, किसी भी साइड से अगर वो हाइड हैं और आप उनको पहचान उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, अल्टीमेटली मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि आप उन्हें आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, उन्हें रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते क्योंकि वो पर्दे में हैं। तो इन दैट केस उनसे अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वो भी क्या कहलाएगा कि वो ऐसी पार्टीज डिस्क्वालिफाइड हैं और वो कैपेसिटी में नहीं है, कॉम्पिटेंट नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज कॉन्विक्ट्स। अगर कि मतलब जिसके अगेंस्ट में कोई केस चल रहा है या कोई प्रॉब्लम्स है, वो ड्यूरेशन है केसेस में, इन्वॉल्व है केस में किसी तरीके से, तो हम उन्हें भी कम्पिटेंट नहीं मानते हैं। इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट मीन्स दिवालिया होना, कि जैसे आप बैंक डेप्ट हो गए, बैंक करप्ट हो गए हो। बैंक करप्ट मीन्स आपके पैसे ख़त्म हो चुके हैं, आपको डिक्लेयर कर दिया गया है कि इंसॉल्वेंट, आपके पास कोई भी पैसा नहीं है, आपके पास कोई बैकग्राउंड नहीं, कोई मनी नहीं है, आपके डेप्ट्स अभी भी बचे हुए हैं, रिपे नहीं हो पाए हैं, आपकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह से उसको रिपे कराया गया, उसके बाद भी कुछ डेप्ट बचे हुए हैं तब भी वो रिपे नहीं हो पा रहे हैं, तो इन दैट केस आपको गवर्नमेंट इंसॉल्वेंट कह देती है, बैंक्रप्ट कह देती है कि अभी तक इनके डेप्ट ड्यू हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह को नीलाम करने के बाद भी हमें वो चीज़ें रिपे नहीं हो पाई हैं। तो अगर कोई पार्टीज इंसॉल्वेंट है और वो कॉन्ट्रैक्ट करती तो डिस्क्वालिफाइड है, क्योंकि आप वैसे ही इंसॉल्वेंट हो, बैंक्रप्ट हो, तो आप तो किसी तरीके से कैपेबल हो ही नहीं। तो ये सारी वो पर्सन्स हैं, ये वो लोग हैं वो जो कि डिसक्वालिफाइड कर दिए जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो अल्टीमेटली कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमने क्या देखा, वो पार्टीज जो कैपेबल हो, कैपेबिलिटी को कॉम्पिटेंसी को देखने के लिए तीन कैटेगरी है। एक वो मेजर होना चाहिए, 18 ईयर्स, साउंड माइंड का होना चाहिए। साउंड माइंड हम कब कब कहेंगे, मतलब कि अनसाउंड माइंड अगर वो ऐसा कुछ रहे तो वो अनसाउंड माइंड होगा, जो इडोसी लुनेसी वगैरह जो है हमने देख लिया। एंड थर्ड इज वॉट, किसी तरीके से डिस्क्वालिफाइड ना हो, और डिस्क्वालिफाइड वो कब कब हो सकता है, जब वो इनमें से किसी एक कैटेगरी में फॉल कर रहा हो और हमने तब उनसे कॉन्ट्रैक्ट किया हो। तो आई होप कि आपको वीडियो क्लियर हुआ होगा, आपको समझ में आया होगा। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू।